हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का सॉलिड स्टेट मतलब ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ सेमी कंडक्टर्स तो सेमी कंडक्टर्स से अपने को स्टार्ट करना है ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसमें से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खासकर नीट में कम से कम पाँच क्वेश्चन चार पाँच क्वेश्चन से कई बार तो सात आठ क्वेश्चन भी सिर्फ सेमी कंडक्टर डिवाइसेज और लॉजिक गेट से आया हुआ है तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम में तो आपका जितना वेटेज का है वो तो आएगा ही तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझना ही स्टार्टिंग से दो दिन पहले स्टार्ट करने का था लेकिन कुछ हेल्थ का इशू था मुझे इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया आपका चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास और मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोलता हूँ कि बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से आप बेसिक को समझने का प्रयास करना क्योंकि पहला दिन का क्लास आज यदि पहला क्लास आप बहुत अच्छे से नहीं करोगे तो नेक्स्ट क्लास आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ क्योंकि इस चैप्टर का नेचर थोड़ा डिफरेंट है पूरे बेसिक से चलता है तो पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है हो सके तो कल के क्लास में मैं इसको थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन लेके कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत जल्दी हमको रिवीजन भी स्टार्ट करना है ठीक है चलिए तो स्टार्ट करें हम सेमीकंडक्टर्स। ठोस एवं अर्ध चालक मेन यदि हम कॉन्सेट पर हेडिंग डालें ठोस एवं अर्धचालक सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर्स। आज हम यही पढ़ेंगे देखो सेमीकंडक्टर समझने से पहले हमको सबसे पहले ठोस के बारे में समझना होगा आपको मालूम है कि पदार्थ की आज की आज के डेट में पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती हैं ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये फाइव स्टेट होते हैं किसी भी मैटर्स के फाइव स्टेट हो सकते हैं जिसमें से ठोस द्रव गैस जो हमारा ट्रेडिशनल स्टेट है जिसको हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं इन अवस्थाओं के लिए वास्तव में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो जिम्मेदार है पदार्थ की अवस्था के लिए वो है इंटर मालिकुलर सेपरेशन मतलब अंतर आणविक अंतराल दो अणुओं के बीच का जो अंतराल होता है या दो अणुओं के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डिसाइड करता है कि वह मटेरियल सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा यदि ये बॉन्डिंग यदि इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स जो होता है मतलब अणुओं के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो यदि बहुत स्ट्रांग हो तब वो सॉलिड कंडीशन में होता है तो यहाँ पर हमको सॉलिड ही पढ़ना है क्योंकि सेमी जो बनते हैं वो सॉलिड से बनते हैं तो हमको सबसे पहले यहाँ पर सॉलिड पर ही डिस्कस करना है और सॉलिड पर ही हमारा इसीलिए हमारा हमने हेडिंग ही डाला है ठोस एवं और मर्धचालक तो सबसे पहले हम समझें कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वास्तव में ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड होते क्या हैं तो सॉलिड के भी फिर दो कंड सॉलिड के दो प्रकार होते हैं सॉलिड भी दो तरह के होते हैं एक कहलाता है क्रिस्टली ठोस पहला कहलाता है क्रिस्टली क्रिस्टली ठोस कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे अपन और दूसरा कहलाता है अक्रिस्टली अक्रिस्टली मतलब एमआरफस इस तरह से ठोस के दो प्रकार होते हैं क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस क्यों हम इतना जीरो बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि एक बात आपको फिर मैं याद दिला दूं कि इस चैप्टर को आप बिल्कुल जीरो बेसिक से स्टार्ट करके आप समझो क्योंकि इस चैप्टर को यदि आप अच्छे से समझ गए तो जितने भी कॉम्पिटिटिव के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं उनका इस मॉडर्न फिजिक्स पर बेस बहुत स्ट्रांग हो गया क्योंकि इसमें से जो को, देखो इसमें ना न्यूमेरिकल मिलेगा आपको ना कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन है ना कोई फार्मूला कोई परिभाषा ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट है और वो चीज़ आप बहुत अच्छे से एक बार यदि समझ गए तो फार ही आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा इसलिए हर चीज़ को ध्यान से समझना है तो सॉलिड दो तरह का होता है क्रिस्टली और अक्रिस्टली क्रिस्टली ठोस का मतलब होता है जब परमाणुओं की अणुओं की जो संरचना होती है वह एक निश्चित ज्यामिति आकृति पर होती है जैसे सोडियम क्लोराइड है शुगर है या एलिमेंट्स में लें तो अपन मान लो जर्मेनियम भी पढ़ेंगे सिलिकॉन अपन पढ़ेंगे ये क्या है क्रिस्टली ठोस है तो क्रिस्टली ठोस का मतलब होता है जिनकी जो ज्यामिति संरचना होती है ज्यामिति जो अरेंजमेंट है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम यहाँ पर लिखें कि इस तरह से मान लो कोई एटम ऐसा है दूसरा एटम भी इसी आकृति का है और इसके साथ में अटैच है तीसरा भी इसी आकृति का है इसके साथ अटैच है इस तरह से यहाँ पर भी एक आकृति ऐसा है जो इसके इस तरह से अटैच है मतलब सभी की ज्यामिति आकृति यदि समान हो तो वो क्या कहलाता है क्रिस्टली ठोस कहलाता है लेकिन अक्रिस्टली ठोस में क्या होता है इनकी जो ज्यामिति संरचना होती है वो अव्यवस्थित होते हैं रैंडम होता है जैसे मान लो कोई इस तरह के सेप का है मान लो ऐसा सेप का है तो कोई ऐसा सेप का हो गया तो मान लो कोई ऐसा सेप का हो गया कोई इस तरह से हो गया तो यदि इनकी जो जामिति आकृति है इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या हो e इरेगुलर हो ये रेगुलर सेप के होते हैं रेगुलर सेप के होते हैं रेगुलर मतलब नियमित और यह इरेगुलर होते हैं इरेगुलर होते हैं मतलब अनियमित होते हैं तो इरेगुलर सेप्ट के होते हैं अनियमित होते हैं मतलब इनकी जो जामिति आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती तब हम उसको क्या कहते हैं अक्रिस्टली ठोस या फिर एमआर कहते हैं अब यहां पर हमको क्रिस्टली ठोस के बारे में पढ़ना है तो देखो हम सबसे पहले पढ़ें कि ठोसों में ऊर्जा बैंड सबसे पहले हम यहां पर पढ़ना है ठोसों में ऊर्जा बैंड यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट का टॉपिक स्टार्ट होता है ऊर्जा बैंड क्या है एनर्जी बैंड इन सॉलिड देखो सॉलिड में एनर्जी बैंड क्या होता है ठोसों में ऊर्जा बैंड कि जब ठोस पदार्थ का निर्माण होता है यहां पर अब ध्यान रखना है यहां पर हम जो भी बात करेंगे वो क्रिस्टली ठोस के बारे में बात करेंगे तो जब क्रिस्टली ठोस का निर्माण होता है तो एक्चुअल में जब कोई एटम इंडिपेंडेंट कंडीशन में होता है स्वतंत्र रूप में होता है तो स्वतंत्र रूप में उसकी जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है वह अपने अधिकतम ऊर्जा स्तर पर होता है लेकिन जैसे जैसे एक एटम का दूसरे एटम के साथ में बॉन्डिंग होता जाता है पदार्थ के निर्माण के लिए ठोस के निर्माण के लिए जब एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है पास आते जाता है तो वो क्या होता है अपने एनर्जी को लूज़ करता है नष्ट करता है जैसे मान लो एक एटम ये है एक दूसरा एटम ये है अभी इनके बीच की दूरी ये है ये अपने मैक्सिमम एनर्जी पर है ये सपोज़ अपने मैक्सिमम एनर्जी पर है अब हमने इसको क्या किया दोनों को पास पास कर दिया पास पास नहीं कर दिया बल्कि पास वो आ गए अट्रैक्शन के कारण इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो पास पास आ गए और पास पास आने के बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसको मारनाट कहते हैं इंटर मालिकुलर सेपरेशन वो कांस्टेंट हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है स्थायी अवस्था में आ जाता है क्योंकि जब वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल पर होता है तो अनस्टेबल कंडीशन में होता है अस्थाई रूप में होता है लेकिन जब वो अपने मिनिमम एनर्जी लेवल पर आ जाता है यह है मिनिमम एनर्जी तो जब वो मिनिमम एनर्जी लेवल पर आता है तो मिनिमम एनर्जी लेवल पर आने के बाद वो स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो स्टेबल हो जाता है क्लियर वॉयस क्लियर है सबको वॉयस क्लियर है सबको ओके okay, कुछ लोग लिख रहे हैं कि वॉयस वॉइस नहीं आ रही है करके उनका प्रॉब्लम होगा उनके डिवाइस पर प्रॉब्लम होगा रिफ्रेश करो ठीक है ओके okay. ओके okay, चलो ध्यान से सुनो फिर हाँ ध्यान से सुनो मैं क्या बोला जब एटम दूर दूर होते हैं तो उनका वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल पर होते हैं और मैक्सिमम एनर्जी लेवल पर होने के कारण वो अस्थाई अवस्था में होते हैं तो एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है और वो अपना एनर्जी अपना ऊर्जा खोते हैं नष्ट करते हैं जिसके कारण उनका जो एनर्जी कम होते जाता है और धीरे 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 पास होने के बाद वो स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं स्थाई अवस्था में आ जाते हैं स्थाई अवस्था में आने पर उनका जो एनर्जी है वो न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर आ जाता है मिनिमम एनर्जी लेवल पर आ जाता है ठीक है इस प्रकार से एक और एटम यदि आ जाए यहाँ पर एक और एटम आ जाए यहाँ पर एक और एटम आ जाए यहाँ पर एक और एटम आ जाए इस तरह से ठोस का निर्माण प्रारंभ होता है और ठोस का निर्माण प्रारंभ होता है तो सभी एटम के बीच में जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर होते हैं ये सब न्यूनतम ऊर्जा स्तर हैं तो इन न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का जो समूह होता है इन न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं एनर्जी बैंड कहते हैं ऊर्जा बैंड कहते हैं अच्छा इसको आप लोग ध्यान रखना ये पूरा थ्योरी ये जितना कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पूरी थ्योरी बहुत क्लियर हमारे नोट्स में अवेलेबल है हमारा नोट्स आप ओरिजिन द लर्नर्स हब एप्लीकेशन पर सर्च करो पूरा एड्रेस हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैनल पर दिया हुआ होता है तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाइए और नोट्स ओपन करिए तो आपको पूरा क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के हिंदी मीडियम का नोट्स अवेलेबल मिलेगा वहाँ से आप उसको पूरा लिख लेना सब चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है वहां पर सब चीज वहां पर लिखा हुआ है क्लियर <coughs> तो यहां पर यह जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है यह न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं एनर्जी बैंड कहते हैं इस प्रकार से एनर्जी बैंड का क्या मतलब हुआ क्री ठोस ठोस निर्माण के पश्चात ठोस निर्माण के पश्चात न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का जो समूह होता है ठीक है ठोसों के निर्माण के पश्चात ऊर्जा स्तरों का जो समूह होता है न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह जो होता है उसको हम क्या कहते हैं एनर्जी बैंड कहते हैं मैं यहां पर शर्ट फॉर्म में लिख भी देता हूं तो यहां पर हम इसको क्या कह सकते हैं ठोस निर्माण के पश्चात ठोस निर्माण के पश्चात न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह ठोस निर्माण के पश्चात न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह को हम क्या कहते हैं ऊर्जा बैंड कहते हैं ये हमने बहुत शार्ट लैंग्वेज में लिख लिया अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब एनर्जी बैंड को क्लासिफाई किया गया ऊर्जा स्तर को बांटा गया तो तीन पार्ट में इसको बांटा गया यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और इस एग्जाम्पल के हेल्प से अपन एनर्जी बैंड को समझते हैं मान लो हमने कार्बन का एग्जाम्पल लिया कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक सिक्स होता है और कार्बन के परमाणु क्रमांक सिक्स को यदि हम क्या करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन लिखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो लिख सकते हैं वन एस टू टू एस टू और टू पी टू टू पी टू लिख सकते हैं और इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखो कि ये, ये एस आर्बिटल पूर्णतः भरा हुआ है स्टेबल है यह भी पूर्णतः भरा हुआ है लेकिन ये पी आर्बिटल है वो क्या है अस्थायी रूप से भरा हुआ है तो यहां पर पी आर्बिटल में सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें दो भरा हुआ है तो फोर का उसको रिक्वायरमेंट है इस प्रकार से हम यहां पर समझ सकते हैं कि फोर का जो रिक्वायरमेंट है यहां पर वो रिक्वायरमेंट इस तरह का है आप इसको इस तरह से पढ़ते हैं यह सब केमिस्ट्री में आपका पढ़ा हुआ है ना बहुत सा बेसिक आपका केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है पी एक्स पी वाई और पी जेड जो होता है ये सपोज पी एक्स है ये पी वाई है और ये पी जेड है मेरे ख्याल से आप प्रिंसिपल या किसी ऐसा साइंटिस्ट का नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसके सिद्धांत से इसको भरा जाता है तो सबसे पहले इस प्रकार से एंटी क्लाक वाइज ये एंटी क्लाक वाइज इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसके बाद यहाँ पर क्या होता है और इलेक्ट्रॉन की इस तरह से आवश्यकता जो होती है ये कितने हैं ये देखो फोर की आवश्यकता है इस तरह से फोर की इसमें आवश्यकता होती है तो आपको मालूम है कि ये फोर के अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन के रिक्वायर को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यह किसी कार्बन के दूसरे एटम के साथ में बॉन्डिंग करता है अब जब ये बॉन्डिंग करता है तो वहां पर जो एनर्जी बैंड बनता है देखो यहां पर हमको फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझना है कि जब ठोस का निर्माण होता है मतलब जब कार्बन ठोस का निर्माण होगा तो एक कार्बन के एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ बाइंडिंग करेगा तो वहां पर जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर होगा ऐसे बहुत से ऊर्जा स्तरों के समूह को हम एनर्जी बैंड कहते हैं यह मैंने आपको पढ़ाया अब इस एनर्जी बैंड को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं थोड़ा ध्यान से समझना इसको क्योंकि यही सब कुछ है इस चैप्टर में जो कुछ भी आपको समझना है वो यहीं से ही आपको समझना है ये ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके कंडीशन को और तीन तरह का जो बैंड हम यहाँ पर बताएंगे आपको वो ऐसा कुछ होता है हम एनर्जी बैंड का ग्राफ यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर अब इसमें जो सबसे नीचे आप देख रहे हो यह जो सबसे पहले नीचे में देख रहे हो पहले नंबर में यह कहलाता है संयोजकता बैंड यह संयोजकता बैंड है और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई वी से वी फार होता है वैलेंस वी फार वैलेंस होता है और बैलेंस मतलब हिंदी में होता है संयोजकता इस प्रकार से ये बैलेंस बैंड है संयोजकता बैंड और बीच में देखो ये है एनर्जी गैप मतलब वर्जित अंतराल इसको हम बोलते हैं वर्जित अंतराल ये होता है और सबसे ऊपर जो देख रहे हो इसको हम प्रदर्शित करते हैं ई सी से और इसको कहा जाता है चालन बैंड चालन को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन तो एक कंडक्शन बैंड कहलाता है इस प्रकार से एनर्जी बैंड को हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं सबसे नीचे वाला संयोजकता बैंड कहलाता है बीच वाला वर्जित अंतराल फार्बिडन एनर्जी के भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में और सबसे ऊपर वाला कंडक्शन बैंड चालन बैंड कहते हैं कंडक्शन बैंड या हिंदी में चालन बैंड कहते हैं इस प्रकार से इसको तीन पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है अब देखो संयोजकता बैंड हम किसे कहते हैं तो संयोजकता बैंड का मतलब होता है वह बैंड जिसमें ये जो एस आर्बिटल हैं जो पूर्णतः भर मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजकता बैंड में रखा जाता है इसीलिए उसका नाम संयोजकता बैंड है तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुट अप करते हैं तो यहाँ पर आप समझ लो ये वन एस वन एस के दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से इस चैप्टर में डाट से रिप्रेजेंट करेंगे और टू एस इसके भी दो डाट इस तरह से ये हम रिप्रेजेंट करेंगे वन एस टू एस ये दो इलेक्ट्रॉन हैं जो संयोजकता बैंड में हैं मतलब संयोजकता बैंड में उन इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है उस आज जो कम्प्लीट फुलफिल होते हैं जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाद सीधा चालन बैंड चले आओ बीच को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा चालन बैंड वह बैंड होता है चालन बैंड में ये जो पी आरबीटल है जो अर्धपूरित होता है मतलब या तो अर्धपूरित होता है या पूर्णतः एमपिटी होता है या तो पूरा खाली होता है या आधा भरा होता है उसको हम चालन बैंड में रखते हैं और यह है टू पी तो टू पी में देखो दो इलेक्ट्रॉन हैं इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन को हमने शो किया और चार की आवश्यकता है जिसको हमने बबल के रूप में शो किया तो चार ये बबल के रूप में शो किया और दो को डाट किया तो दो इलेक्ट्रॉन वहां पर है और चार की आवश्यकता है इस प्रकार से देखो <clears throat> इस प्रकार से देखो कि ये जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्सन बैंड है ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्सन बैंड है इसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो खाली स्थान होता है इसी खाली स्थान को हम क्या कहते हैं वर्जी तंत्राल कहते हैं इसको एनर्जी गैप कहा जाता है जीफार गैप तो ये एनर्जी गैप कहलाता है इस प्रकार से क्या करते हैं हम इसको ऊर्जा बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं अब यहाँ पर हम देखेंगे कि, कि किसी भी पदार्थ में विद्युत का चालन कैसे संभव हो पाता है क्लियर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को साउंड नहीं आ रहा है कई लोग लिख रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है साउंड का प्रॉब्लम है एक दो लोग बस बोल रहे हो कि साउंड का प्रॉब्लम है नेटवर्क का प्रॉब्लम के कारण हो सकता है आप लोग का इलेवंथ का क्लास स्टार्ट करेंगे अभी हम इलेवेंथ के क्लास को दोपहर को स्टार्ट किए थे क्योंकि हम इस टाइम में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे उसमें कुछ स्टूडेंट्स लाइव में आते थे ज़रा सा भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे सिर्फ चैटिंग करते थे आपस में तो मैं अपना इतना इम्पॉर्टेंट टाइम निकाल के उस टाइम में मैं पढ़ा रहा था रेगुलर तो मुझे लगा कि उस टाइम में कोई पढ़ नहीं रहा है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो मैंने उस टाइम में क्लास लेना बंद कर दिया एक्चुअल में देखो मेरा यूट्यूब का जो क्लास है उस तरह से कोई प्रोफेशनल क्लास नहीं है यहाँ पर मैं बच्चों को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उसको मेहनत करने का प्रयास करता हूँ मतलब आप लोग के तरफ से भी रिस्पॉन्स चाहिए मुझे और वो जरूरी भी है सिर्फ अकेला मैं उसको करते रहूँ तो कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा मैं ऑफलाइन की क्लास की तरह पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर जैसे ऑफ़लाइन क्लास होता है तो फिर मैं इलेवन का क्लास को स्टार्ट करूँगा ट्वेल्थ का हो जाए तो लेकिन उस टाइम में तो स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं थे क्लियर यहाँ तक हाँ अब ध्यान से सुनो यहाँ पर ठोसों में ठोसों में जो ऊर्जा बैंड है ठोसों में ऊर्जा बैंड को आप देखो क्या इसका क्या रोल है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में इसमें सेमी जो पढ़ेंगे उसमें तो अब ध्यान से सुनना आगे की बात ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इसमें जब संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को पार करके या जो कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन जब या तो संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन या जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने आर्बिटल पर कंप्लीटली स्टेबल कंडीशन में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गैप को पार करके संयोजकता बैंड में पहुंच पाते हैं देखो अभी तक आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्या पढ़ा कि जब किसी पदार्थ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो वह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ये आपने पहले पढ़ा है मतलब सिर्फ़ फ्री इलेक्ट्रॉन का होना ही उसके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए पर्याप्त होता है आपने पढ़ा है लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में अब आप उसको और डेप्थ में पढ़ रहे हो कि वास्तव में किसी पदार्थ के पास यदि फ्री इलेक्ट्रॉन हो तभी वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा यह तो सही है लेकिन उसके साथ साथ उसके साथ कंडीशन ये भी हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो वर्जित अंतराल है जो एनर्जी गैप है उसको पार करके यहाँ पर सिम्बोलिक यदि मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँ तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जब यहाँ पहुंचेंगे चालन बैंड में पहुँचेंगे तभी उसमें करेंट फ्लो होगा अदरवाइज नहीं होगा और इसीलिए इसका नाम क्या है चालन बैंड है चूँकि जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्जित अंतराल को पार करके चालन बैंड में पहुँचते हैं तभी उसमें विद्युत का प्रवाह होता है अदरवाइज विद्युत का प्रवाह नहीं होता ये बात आप कभी नहीं भूलना ध्यान से सुनो के बाद रिपीट करता हूँ ये जो एनर्जी बैंड का आप ग्राफ देख रहे हो यहाँ से हम ये स्पष्ट करते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से वर्जित अंतराल को पार करके चालन बैंड में नहीं पहुंचेंगे तब तक उस पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता इस तरह से इसके बेस पर पदार्थ को तीन प्रकार से बांटा गया क्या चालन बैंड के संयोजकता बैंड के आधार पर ऊर्जा बैंड के आधार पर ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक रोधी तथा अर्धचालक अर्धचालक की व्याख्या या की परिभाषा को हम कैसे परिभाषित करते हैं यह देखो आप ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है है कि ऊर्जा बैंड बैंड के आधार आधार पर पर जो एनर्जी उसके चालक विद्युत रोधी तथा अर्ध चालक चालक विद्युत रोधी तथा अर्ध चालक इसको हमको परिभाषित करना है इनको हमको एक्सप्लेन करना है कि भाई वास्तव में एनर्जी बैंड के बेस पर हम इन तीन चीजों को कैसे परिभाषित करते हैं कि क्या चालक होगा क्या विद्युत रोधी होगा और क्या अर्ध चालक होगा तो एक एक करके हम उसको एक्सप्लेन करते जाते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या चालक सबसे पहले हम पढ़ते हैं चालक कंडक्टर कंडक्टर्स। ये क्या होता है तो ये ग्राफ के हेल्प से हम ग्राफ के हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें ग्राफ बना दें इसमें चालक को समझाने के लिए ग्राफ को ही आपको ढंग से समझना है क्योंकि ग्राफ के बेस पर ही इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इस ग्राफ से आपको ये शो किया गया है कि यहाँ पर जो नीचे देख रहे हो ये ब्लू कलर से जिसको हमने दिखाया है ये है ई मतलब बैलेंस बैंड है जो ब्लू कलर से आप ग्राफ में देख रहे हो वो ई है और ऊपर में जो आप येलो कलर से देख रहे हो ग्राफ में वो क्या है ई है ये संयोजकता बैंड है स्वारी है सॉरी चालकिन है अब यहां पर देखो चालक पदार्थ में आपको ये ग्राफ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां पर एनर्जी गैप नहीं पाया जाता मतलब यहां पर इस बात को ध्यान रखना कि एनर्जी गैप इसमें नहीं होता मतलब ई का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है जीरो होता है ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है ध्यान रखना चालक में वर्जी तंत्राल होता है तो एक ऑप्शन में जीरो रहेगा वही उसका सही आंसर है मतलब इस चैप्टर में एक चीज ध्यान में रखना कि कई बार स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है कैसे आता है क्वेश्चन जब इसमें नीट जैसे एग्ज़ाम में पाँच छः क्वेश्चन कवर होते हैं तो क्वेश्चन आते कहाँ से हैं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये कोई नहीं बता सकता क्वेश्चन इसके इन क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन मतलब पूरे चैप्टर को पढ़ाई के दौरान आपको जो कुछ भी समझाया जाएगा जो भी कॉन्सेप्ट है उसके किसी भी बात से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है मतलब इस चैप्टर को यदि आपको अच्छे से कवर करना है तो आप केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके या फिर कुछ लिमिटेड चीजों को पढ़ के कभी नहीं बना सकते इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बिल्कुल जीरो लेवल से जैसे मैंने स्टार्ट किया ठोस की परिभाषा से वहां से लेके आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा और एक बार आप समझ गए तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हो यह भी बिल्कुल श्योर है ठीक है चलिए तो क्या बताया मैं चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें वर्जित अंतराल की चौड़ाई शून्य होती है मतलब वर्जित अंतराल नहीं पाया जाता तथा यहां पर देख रहे हो कि चालन बैंड संयोजकता बैंड को क्या किया हुआ है यहां पर अति व्यापन किया हुआ है अति व्यापन मतलब ओवरलेपिंग ओवरलेप किया हुआ है इस प्रकार से यहां पर देखो वैलेंस बैंड जो है कंडक्शन बैंड को ओवरलैपिंग किया हुआ है एनर्जी गैप तो है ही नहीं है एनर्जी गैप का वैल्यू क्या है जीरो है साथ ही जो वैलेंस बैंड है वह इसके कंडक्शन बैंड को संयोजकता बैंड है वह चालन बैंड को ओवरलेप किया हुआ है ऐसा करने से होता क्या है जब भी हम इस प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं या वाह्य ऊर्जा देते हैं जब इस प्रकार के पदार्थ में वाह्य ऊर्जा देते हैं तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं क्योंकि यहाँ वर्जित अंतराल नहीं पाया जाता तो वर्जित अंतराल नहीं पाए जाने के कारण जब भी हम इसको बैटरी से या वायर सोर्स से एनर्जी देते हैं तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत का प्रवाह करते हैं इस प्रकार से पदार्थ क्या कहलाते हैं चालक कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए आपको मालूम है कापर है एल्यूमिनियम है सिल्वर है गोल्ड है ये सब क्या है चालक हैं ये सब चालक हैं और यहां पर मैं प्रॉपर ऑर्डर में लिख दू इसको तो सबसे बेस्ट क्या है अपने पास सिल्वर सबसे बेस्ट है अपने पास सिल्वर तो ए जी इसके बाद कापर इसके बाद गोल्ड फिर एल्यूमिनियम ये क्या है तो ये किस बेस पर है ये ये एनर्जी गैप के बेस पर है जिसका एनर्जी गैप वैसे यहाँ पर तो एनर्जी गैप का मान जीरो होता है सभी चालक में एनर्जी गैप का मान जीरो होता है ये गुड कंडक्टर्स हैं ठीक है तो इस प्रकार से चालक का क्या परिभाषा देखें हम एक बार चालक की परिभाषा ध्यान से सुनो ये परिभाषा आपको नोट्स में मिलेगा नोट्स से आप इसको लिख लेना हमारे नोट्स में <coughs> हमारे नोट्स में पूरा अवेलेबल है तो हमारे एप्लीकेशन में जाके आप नोट्स ओपन करके फ्री नोट्स वहाँ अवेलेबल है वहाँ पर सारा चीज़ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो या नोट्स बना सकते हो तो चालक की क्या परिभाषा हुई चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें वर्जित अंतराल नहीं पाया जाता या वर्जितंत्राल का मान शून्य होता है तथा वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड को अतिव्यापित किया होता है जिसके कारण जिसके कारण बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर या बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत का प्रवाह करते हैं ये पदार्थ क्या कहलाते हैं चालक तो यह हो गया चालक क्लियर चालक क्लियर सबको चालक सभी को क्लियर चलिए ठीक अब हम पढ़ते हैं विद्युत रोधी दूसरा हम समझते हैं विद्युत रोधी इंसुलेटर विद्युत रोधी को हम इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं और इंसुलेटर किस तरह के पदार्थ होते हैं इसके लिए भी हम एक ग्राफ बना लें। तो यहाँ पर आप देखो ये जो सबसे नीचे देख रहे हो यह क्या है वैलेंस बैंड है ई बीच में जो देख रहे हो वह एनर्जी गैप है ई है और सबसे ऊपर जो देख रहे हो वो ई है कंडक्शन बैंड है चालन बैंड है इस तरह से अब यहाँ पर वैलेंस बैंड और साफ साफ आप चित्र में देख रहे हो ये जो एनर्जी गैप का मान है वो बहुत अधिक होता है एनर्जी गैप का मान बहुत अधिक होता है जिसके कारण ये वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चालन बैंड तक नहीं पहुँच पाते तो विद्युत रोधी ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें एनर्जी गैप का मान बहुत अधिक होता है और एनर्जी गैप का मान बहुत अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन वायु ऊर्जा देने के बाद भी वायु ऊर्जा देने के बाद भी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं चालन बैंड तक नहीं पहुंच पाते और चालन बैंड तक नहीं पहुंच पाने के कारण इनमें विद्युत का प्रवाह संभव नहीं होता जिसमें सबसे जो ज्यादा जो होता है एग्जाम्पल हम देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप जो होता है हीरे का होता है फॉर एग्जाम्पल हीरा के लिए हीरा के लिए एनर्जी गैप का जो वैल्यू होता है वह सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है अधिकतम है हीरे के लिए जो वर्जित अंतराल की चौड़ाई है वो सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के कारण यहाँ से हम इसकी चौड़ाई इतनी अधिक होती है कि यहाँ पर हम उसको उतनी ऊर्जा नहीं दे पाते जिसके कारण क्या हो ये यह? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए वैसे यहाँ पर ध्यान रखना जब एनर्जी गैप का वैल्यू जब एनर्जी गैप का वैल्यू ग्रेटर देन थ्री के रेंज का होता है जब ये पाया गया है प्राय प्राय ये पाया गया है कि जब वर्जित अंतराल की चौड़ाई थ्री से अधिक होता है थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है तो वह जनरली क्या होता है विद्युत रोधी के कैटेगरी में आता है मतलब तीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हम भले ही बोलते रहते हैं वर्जी तंत्राल की चौड़ाई तो चौड़ाई कहने से स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आता है कि दूरी है कि इसको मीटर सेंटीमीटर फर्मी एंगेस्ट्राम वगैरह से मापना चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्यों मापा जा रहा है जबकि बार बार हम बोल रहे हैं वर्जी तंत्राल की चौड़ाई विथ ऑफ द एनर्जी गैप लेकिन यहाँ पर चौड़ाई का मतलब दूरी से नहीं है यहाँ पर चौड़ाई का मतलब उस एनर्जी से है जो उसको पार करने के लिए चाहिए थोड़ा शब्दों को ध्यान देना एनर्जी गैप का मतलब यहाँ पर चौड़ाई से नहीं है भले हम उसको बोलते हैं वर्जित अंतराल की चौड़ाई लेकिन चौड़ाई का यहाँ पर यूनिट मीटर सेंटीमीटर नहीं होगा <coughs> उसका यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि उस एनर्जी गैप को पार करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर क्या है एनर्जी का यूनिट है तो इस प्रकार से आप देखो कि हीरा क्या होता है सबसे ज्यादा एनर्जी गैप होता है सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर बहुत सारे हैं कांच है लकड़ी है प्लास्टिक है ये सब विद्युत रोधी पदार्थ हैं क्योंकि इनमें वर्जित अंतराल की चौड़ाई इतनी अधिक होती है कि कितना भी ऊर्जा यदि हम उसको दें वाहरो से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुँच पाते इसका रेंज है नियर अबाउट थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको याद रखना <coughs> कोई प्रॉब्लम यहां तक तो सबसे पहले हमने पढ़ा चालक फिर हम पढ़े विद्युत रोधी इसीलिए बिल्कुल एक एक सेपरेट में स्लाइड में इसको आपको बताते जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसका क्योंकि यही सब कुछ है तीसरा हमारा मेन टॉपिक है जो हमको पूरे इस चैप्टर में पढ़ना है वह है अर्ध चालक ये तीसरा है अर्ध चालक इसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर अर्ध चालक या सेमी कंडक्टर जो कि पूरा हमारा चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है तो इसका बेस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए देखो सेमी क्या होते हैं यहां पर भी हम एक ग्राफ बना ले सेमी सेमीकंडक्टर के लिए हमने ग्राफ बना लिया यहां पर देखो ये जो सबसे नीचे है ये यह यहाँ पर क्या है वैलेंस बैंड है बीच में क्या है एनर्जी गैप है और सबसे ऊपर क्या है कंडक्शन बैंड है इस प्रकार से यहाँ पर देखो ये जो वर्जी तंत्राल की चौड़ाई होती है ये ये वर्जी तंत्राल की चौड़ाई है ई इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वह लेस देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है मतलब तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है अभी मैंने आपको बताया कि तीन से ग्रेटर होने पर वह क्या बन जाता है इंसुलेटर लेकिन तीन से कम हो तो तीन से कम होने पर इसमें क्या होता है कि तीन से यदि कम हो इसका यदि रेंज यदि थ्री से कम हो तो थ्री से कम होने पर क्या होता है एनर्जी गैप का मान इतना कम होता है यहाँ पर यहाँ ग्राफ से आप देख रहे हो कि चौड़ाई को हमने कम सो किया है कि वाह्य ऊर्जा देने पर अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना चूँकि वर्जी तंत्राल की चौड़ाई बहुत कम होती है जिसके कारण इस प्रकार के पदार्थ में जब वाह्य स्रोत से हम ऊर्जा देते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तो विद्युत का प्रवाह करते हैं लेकिन यदि हम उनको पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाते जब हम इनको पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाते तो ये चालन बैंड में नहीं पहुँच पाते तो चालन बैंड में नहीं पहुँचने पर उस समय वो विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करते हैं इस प्रकार से सेमी की खासियत क्या होती है कि कभी जब उसको पर्याप्त तो एनर्जी मिलता है तो वो चालक बन जाता है और जब उसको पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलता तो वह विद्युत रोधी बन जाता है इस प्रकार से चालक और विद्युत रोधी दोनों तरह का व्यवहार करने के कारण हम उसको क्या कहते हैं अर्ध चालक कहते हैं सेमी कहते हैं क्योंकि कभी वो चालक बन जाता है और कभी विद्युत रोधी बन जाता है यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने एनर्जी वाह सोर्से स्रोत से दे रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स से कितना एनर्जी दे रहे हैं यदि हम उतना एनर्जी दिए कि वो इलेक्ट्रॉन वर्जित अंतराल को पार करके चला गया तो चालक है नहीं जा पाया तो विद्युत रोधी है तो सेमी कंडक्टर आपको बहुत ध्यान से समझना है ओके अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में पहला है जर्मेनियम जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप का वैल्यू है वो जीरो पॉइंट सिक्स सेवन नियर अबाउट कभी कभी किसी बुक में आपको डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस भी मिल सकता है तो उसमें आप परेशान मत होना कि मैं तो दूसरा बताया था इसमें दूसरा दिया है डेसिमल के कारण थोड़ा सा चेंज आ सकता है क्योंकि इम्प्यूरिटी मिलाने के कारण उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है क्लियर तो यह है जर्मेनियम का होता है 0.67 कई बुक में सेवन भी दिया रहता है इसके बाद जैसा सिलिकॉन का है सेकंड सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है इसका होता है वन पॉइंट वन टू या वन वन के आसपास वन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके आसपास होता है इसका भी एनर्जी गैप बहुत कम होता है क्लियर जीरो पॉइंट सिक्स सेवन को हम सेवन भी लिख सकते हैं तो ये कुछ सेमी कंडक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत काम आते हैं ठीक है तो कोई प्रॉब्लम यहां तक यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको नोट करके रखना है वो है ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का या अर्धचालक का प्रतिरोध कम होता है तथा चालकता बढ़ती है ये बात आप कभी नहीं भूलना देखो हमने पहले पढ़ा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है हमने चालक में पढ़ा है कि चालक पदार्थ के ताप को बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है यह हमने धारा विद्युत के चैप्टर में पढ़ा है ओम ओम के नियम में लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि जब हम ताप को बढ़ाते हैं ताप को बढ़ाने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वह क्या हो जाता है कम होता है प्रतिरोध कम होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि यहां के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गैप को पार करके यहां पहुंचना है तो यदि आप अर्धचालक को गर्म करोगे उसको टेम्परेचर दोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं मतलब इनको और ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है और ज़्यादा ऊर्जा मिलने के कारण ये बहुत आसानी से चालान बैंड में पहुंच जाते हैं मतलब कहीं से उसको बाहर से ऊर्जा मिलेगा तो बाहर से ऊर्जा मिलने पर आसानी से वो चालन बैंड में पहुंच जाएगा तो गर्म करने पर इसके टेम्परेचर को बढ़ाने पर अर्धचालकों के टेम्परेचर को बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाता है और चूँकि प्रतिरोध कम हो जाता है तो उसकी चालकता क्या होती है बढ़ जाती है वो अच्छे से काम करने लगता है जबकि हम जानते हैं कि सामान्य रूप से किसी चालक के ताप को बढ़ाया जाए सामान्य रूप से किसी चालक के ताप को बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है ये हमने पढ़ा है क्लियर तो ये हो गया सेमी और ये अर्धचालक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इसी टॉपिक को हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है इतनी बात आप लिख के रखो इसके बाद हम देखेंगे अर्धचालक के प्रकार यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक कॉन्सेप्ट समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करो मैं रिपीट करूंगा अनामिका द्विवेदी आज आपका बर्थडे है ओके हैप्पी बर्थडे भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अनामिका हैप्पी बर्थडे ओके okay. चलिए अब हम चलें अर्धचालक के प्रकार पर अर्धचालक के प्रकार धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते जा रहे हैं अर्धचालक के प्रकार टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर अर्धचालक के प्रकार तो अर्ध चालक वास्तव में दो प्रकार के होते हैं एक जो अर्ध चालक है वो कहलाता है नैज अर्धचालक या निज भी कह देते हैं कई राइटर लोग हिंदी में तो ट्रांसलेशन है नैज इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रेंसिक इंटेंसिक टाइप का और दूसरा होता है वाह्य अर्ध चालक वाह्य अर्ध चालक तो वाह्य जो अर्ध चालक होता है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिक दो तरह के अर्धचालक पाए जाते हैं एक कहलाता है नैज अर्धचालक इंटेंसिक और दूसरा कहलाता है वाह्य अर्धचालक मतलब एक्सटेंसिक क्लियर ये जो वाह्य अर्धचालक है इसको एक और नाम से बोला जाता है इसको बोलते हैं अपद्रव्य अब द्रव्य अर्ध चालक भी कहे कई राइटर लोग इसको द्रव्य भी लिखे हैं लेकिन हिंदी में इंग्लिश में नाम एक ही होगा इंटेंसिक और एक्सटेंसिक अब ये दोनों होते क्या है ध्यान से सुनना ये जो नए अर्ध चालक है नए अर्ध चालक ये क्या होता है प्योर होता है मतलब इसको हम शुद्ध भी कह सकते हैं इसको हम शुद्ध भी कह सकते हैं प्योर मतलब ऐसा अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि न मिलाई गई हो ऐसा अर्धचालक जो प्योर हो नैज मतलब होता है स्वयं से इंट्रेंसिक मतलब बिना कोई इंप्योरिटी मिलाए भी जो अर्धचालक की भांति व्यवहार करे वो क्या कहलाता है नज अर्धचालक कहलाता है और नज अर्धचालक का हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है क्या जर्मेनियम जर्मेनियम क्या है नैज अर्धचालक है अब यहाँ पर हम देखें कि ये स्वयं से अर्धचालक की भांति व्यवहार कैसे करता है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है ये हम ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से ये जर्मेनियम के यदि हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट को इस तरह से शो करें तो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है अब यह जर्मेनियम जब ठोस के निर्माण करने के लिए किसी दूसरे जर्मेनियम के साथ में बॉन्डिंग करता है तो एक जर्मेनियम इसके साथ हम और ऐड करके बताते हैं कि मान लो यहाँ पर यहाँ पर मैं शो कर दिया ये एक जर्मेनियम हमने और शो किया तो एक जर्मेनियम का ये ये और एक इस साइड में है समझ लो ये इस तरह से अब इसका इस जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा जो उसके साथ में उसने साझा किया है उसको मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूँ ये ये साइड वाले जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन है इस तरह से नीचे भी जर्मेनियम आएगा ऊपर भी जर्मेनियम आएगा मान लो नीचे भी मैं एक जर्मेनियम शो कर दूँ यहाँ पर एक जर्मेनियम का और बाइंडिंग हम करा दें तो ऐसा होगा ये इस तरह से और यहाँ पर इसकी जो बाइंडिंग हो जाएगी तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ पर साझा करेगा इसी तरह से चारों तरफ से जर्मेनियम क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ में साझा करेंगे इस कंडीशन में होता है लेकिन ये जो कंडीशन आप देख रहे हो ये क्या होता है रूम टेम्परेचर पर नहीं होता ये जीरो जीरो केल्विन पर इस तरह का कंडीशन जर्मेनियम के साथ में होता है लेकिन जैसे ही हम इसको रूम टेम्परेचर पर लाते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कमरे के ताप पर तो कमरे के ताप पर लाते ही क्या होता है ये जर्मेनियम के साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग हुआ रहता है वह बॉन्डिंग क्या होता है उसको छोड़ देता है वो अपनी जगह से हट जाता है वहां से और यहाँ पर इस तरह की स्थिति बन जाती है मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है यहां से हट जाता है, है कमरे रूम टेम्परेचर पर और ये यह इलेक्ट्रॉन यहां पर आके स्वतंत्र हो जाता है और यहाँ पर एक होल का निर्माण होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पॉइंट को हम होल या वीवर कहते हैं अभी आगे मैं इसमें बताऊंगा नीचे तो जर्मेनियम फिर सेमीकंडक्टर कई लोग जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार क्यों करता है प्योर कंडीशन में यह समझ नहीं पाते इसे थोड़ा ध्यान समझना निज नएज अर्ध चालक का मतलब होता है जो स्वयं से सेमी होता है बिना किसी इम्प्यूरिटी के तो ये जर्मेनियम है और जीरो केल्विन पर केल्विन पर वह क्या होता है विद्युत रोधी की भांति कार्य करता, करता है यदि हम इसको जीरो केल्विन पर रखें तो यह विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है लेकिन जैसे ही हम जर्मेनियम को क्या करते हैं कमरे के ताप पर लेके आते हैं ठीक है जैसे हम इसको कमरे के ताप पर लाते हैं Osionfish. तो ये जो सहसंयोजक बंध है टूट जाता है इसके बीच में जो कोवेलेंट बांड बन बना हुआ है सहसंयोजक बंध बन बना हुआ है वो बांड टूट जाता है और बांड टूट के ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है मुक्त हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने पर ये इलेक्ट्रॉन टूट के मुक्त हो गया यहाँ पर एक होल का निर्माण होता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल का निर्माण होता है ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कहने लगता है ठीक है आगे हम इसको बताएंगे कि किस तरह से ये व्यवहार करता है हाँ कोटर भी बोलते हैं कोटर हिंदी में कोटर कहते हैं वैसे मेरा सजेशन है आप लोग को कि आप इंग्लिश में याद रखो कोटर तो खुद मुझे बहुत कठिन लगता है होल और इलेक्ट्रॉन होल को विवर या कोटर दो नाम से जाना जाता है होल को लेकिन इलेक्ट्रॉन को तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं ना <coughs> ये हो गया तो ये हमने पढ़ लिया नए जर्द चालक ये नए नए जर्द चालक कहलाता है इसके बाद हम देखते हैं वाह्यर्ध चालक कि वाह अर्ध चालक, कि चालक किस तरह का बिहेव करता है नेक्स्ट स्लाइड में उसको बताता हूँ कि यहीं पर कंजस्टेड हो जाएगा वो तो दूसरा हम पढ़ते हैं वाह्य अर्ध चालक वाह्य अर्ध चालक वाह्य अर्ध चालक जो होता है एक्सटेंसिव टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है यह क्या होता है जर्मेनियम प्लस इंप्यूरिटी मतलब इसमें क्या करते हैं हम जब जर्मेनियम के साथ में जर्मेनियम के साथ में जब हम क्या मिल जाते हैं अशुद्धि तो जर्मेनियम में किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर जो सेमीकंडक्टर बनता है उस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं वाह्य अर्धचालक कहते हैं जर्मेनियम के साथ में अशुद्धि मिलाने पर जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको वाह्य अर्धचालक कहते हैं और इसको हम इसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फिर जर्मेनियम में अशुद्धि मिला के हम इसको दो तरीके से कैसे शो करते हैं एक चार्ट ही जैसा बना दूंगा मैं यहां पर दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करना है <coughs> ये जर्मेनियम और अशुद्धि ठीक है जर्मेनियम के साथ अशुद्धि मिला के इसको एक्सप्लेन करते हैं आज भी मेरा हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है लेकिन क्लास का गैप हो रहा है एग्ज़ाम आ रहा है ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिले हो जाएंगे रिविजन के लिए हमको सफिशेंट टाइम नहीं मिलेगा ऐसा करके मैंने आज का क्लास लिया इसके लिए इसके पहले के कुछ क्लास हमारे गैप भी हो गए तो वो इसलिए मैं आज क्लास लिया अदरवाइज आज भी मुझे उतना परफेक्ट नहीं है आवाज़ से आप लोग को पता चल रहा होगा चलिए देखिए तो जर्मेनियम के साथ जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो जर्मेनियम के साथ अशुद्धि मिलाने पर किस तरह का सिचुएशन बनता है ये हम पढ़ते हैं देखो <coughs> जर्मेनियम के साथ अशुद्धि दो तरीके से मिलाई जाती है पहला यहां पर देखो यदि हम जर्मेनियम के साथ में जर्मेनियम प्लस इसके साथ तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दें त्रिसंयोजी ठीक है तो त्रिसंयोजकती त्रिसंयोजी यदि अशुद्धि मिला दें तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दें तो वो बनता है ये बोरान जैसे मान लो बोरान इसकी संयोजकता क्या है तीन है तो पी टाइप का बनता है तो जर्मेनियम के साथ तीन संयोजकता वाले मिलाने पर ये जो सेमीकंडक्टर बनता है वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाता है पी टाइप पी मतलब होता है पॉजिटिव पी मतलब होता है पॉजिटिव मैं यहां पर पूरा नाम ही लिख देता हूं इसको पॉजिटिव हम भले ही आठ फॉर्म में उसको पी टाइप कहते रहते हैं लेकिन उसका पूरा नाम क्या है पॉजिटिव टाइप है और यदि हम जर्मेनियम के साथ में यदि हम जर्मेनियम के साथ में पांच संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दें जैसे फास्फोरस यदि हम जर्मेनियम के साथ में पांच संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दें जैसे फास्फोरस तो यहाँ पर जो बनता है वो क्या कहलाता है एन टाइप ये फिर एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है जिसको हम बोलते हैं निगेटिव एक्चुअल में इसका पूरा नाम क्या है निगेटिव निगेटिव टाइप को हम एन टाइप कह देते हैं ये इस प्रकार से बनता है अब हम देखें कि तीन संयोजकता वाला शुद्धि मिलाने से इसके साथ में होता क्या है ठीक है इसके साथ में होता क्या है ये हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर ग्राफ से हम इसको शो कर दें कि मान लो ये जर्मेनियम है और जर्मेनियम का इस तरह से अरेंजमेंट है और जर्मेनियम के चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं ये मैं इस कलर से शो कर रहा हूँ ब्राउन कलर से वन टू थ्री और फोर अब जब हम बोरान का इसके साथ में इंप्यूरिटी मिलाएंगे ये मैं ब्लू कलर शो कर रहा हूँ तो एक यहाँ पर पेयर कर लिया एक पेयरिंग यहाँ कर लिया एक पेयरिंग यहाँ कर लिया उसके पास तीन ही हैं और यहाँ पर एक खाली जगह बच जाता है ये और इस खाली जगह को ही हम क्या कहते हैं होल कहते हैं इंग्लिश में या क्या वीबर कहते हैं या क्या, क्या कहते हैं कोटर अभी आप लोग बता रहे थे कि इसको हम क्या कहते हैं कोटर भी कहते हैं दो तीन नाम से जाना जाता है तो होल कहलाता है एक्चुअल में होल ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है इंग्लिश में तो ये क्या है होल है और वीवर कोटर भी कहा जाता है इसको तो पी टाइप के सेमी कंडक्टर में होल पाए जाते हैं पी फॉर पॉजिटिव होता है और इसका बिहेवियर पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यहाँ इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो पी टाइप के सेमी में होल पाया जाता है जो कि धनात्मक नेचर का होता है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं पॉजिटिव टाइप कहते हैं तो ध्यान रखना पी के पास होल पाए जाते हैं अब हम देखते हैं एन टाइप के पास क्या होता है तो देखो एन टाइप के पास पांच संयोजकता वाला औुद्धि जब मिलाएंगे ये जर्मेनियम है इस तरह से और जर्मेनियम के फोर इलेक्ट्रॉन को हम शो कर दें सबसे पहले तो इसके फोर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये तीसरा इलेक्ट्रॉन ये और चौथा इलेक्ट्रॉन ये ये चार इलेक्ट्रॉन हमने जर्मेनियम का शो कर दिया अब इसके बाद हम पांच इलेक्ट्रॉन शो करते हैं फास्फोरस के तो चार ने तो इसके साथ में पेयरिंग कर लिया ये चार ने इसके साथ में ये पेयर बना लिया और पांचवा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह जाता है और इसे हम यहां पर कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं इसका कोई और नाम नहीं है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस प्रकार से चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर के होते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है एन टाइप का सेमी या निगेटिव टाइप का वास्तव सेमीप एन टाइप हम कहते रहते हैं लेकिन वास्तव में वो पॉजिटिव टाइप और निगेटिव टाइप है इतना लंबा नाम ना लेके टाइप टाइप और N कह देते हैं ठीक है तो ये है हमारा वाह्यर्ध चालक का प्रकार जर्मेनियम के साथ जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि मिलाने से वाह चालक बनता है जब जर्मेनियम के साथ हम तीन संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे बोरान मिलाते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है इस तरह का सिचुएशन आता है इसमें वीवर या कोटर बनता है होल बनता है और जब जर्मेनियम के साथ हम पांच संयोजकता वाली फाइव वेलेंसी वाली इंप्योरिटी जैसे फास्फोरस मिलाते हैं तो इस तरह का सिचुएशन मिलता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही फिर क्या होता है यहाँ पर करेंट uh, फ्लो करने के लिए जिम्मेदार होता है तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल जिम्मेदार होते हैं करंट फ्लो करने के लिए और एन टाइप के सेमी कंडक्टर में पी टाइप के सेमी कंडक्टर में होल जिम्मेदार होते हैं और एन टाइप के सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं तो ये आज के क्लास में मैंने आपको कंप्लीट बेसिक पढ़ाया एक दिन के क्लास में मैं ठोस की परिभाषा से ले कर क्रिस्टली ठोस अक्रिस्टली ठोस ठोस का निर्माण कैसे होता है एनर्जी बैंड क्या होता है एनर्जी बैंड को कैसे क्लासीफाई करते हैं एनर्जी बैंड के बेस पर हम चालक विद्युत रोधी अर्धचालक को कैसे एक्सप्लेन करते हैं और फिर अर्धचालक के कितने प्रकार होते हैं यहाँ तक मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट इस लेक्चर को कंप्लीट प्रिपेयर करके नहीं आएगा तो अगला लेक्चर उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड शुरू हो जाएगा शुरू से और दो लेक्चर के बाद तो आपको फिर ट्रांजिस्टर और डायोड वग़ैरह तो समझ में आएंगे ही नहीं इसलिए आपको हर लेक्चर को बहुत ध्यान से समझना है रिवाइज़ करना है और पूरा कॉन्सेप्ट को समझ के याद नहीं करना है रटना नहीं है पूरे लेक्चर को ध्यान से समझना है आपको एक बार में यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो दो बार तीन बार वीडियो को आप रिपीट करके पढ़ो तो मैं श्योर हूं कि अगले क्लास में आपको हर चीज क्लास में हंड्रेड परसेंट समझ के जाओगे क्लास कंप्लीट होते ही आप तैयार हो चुके रहोगे कोई विशेष प्रिपरेशन का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा सीधा एग्जाम में एक बार रीजन करके आप लिख सकते हो ठीक है तो अगले क्लास में आपको तैयार करके आना है अगले क्लास में हम पढ़ेंगे जंक्शन डायोड कि पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला के कैसे डायोड बनाया गया ये हम पढ़ेंगे ठीक है चलिए तो फिर आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं ओके और कोई प्रॉब्लम दो मिनट में आपके कमेंट्स देख लूं <coughs> पूरे साल हमसे पढ़ाई की है ओके वेरी गुड बस uh, मतलब वन मैक्सिमम वन वीक वैसे कल का क्लास मैं लॉन्ग ड्यूरेशन का लेने वाला हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि सेमी को एक दो लेक्चर में कंप्लीट करके लॉजिक गेट पढ़ा के रिविज़न शुरू किया जाए हाँ मेडिसिन ले रहे हैं ओके विशाल थैंक यू थैंक यू अच्छी बात है आप हम पर डिपेंडेंट रह के पढ़ाई किया बहुत अच्छी बात है हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है और बाकी चीज़ आप लोगों के मेहनत पर बेस्ट है ना क्योंकि रिज़ल्ट तो स्टूडेंट के मेहनत करने से आता है टीचर बस के मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आता जब तक स्टूडेंट उसमें अपना एफर्ट नहीं लगाता तब तक अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ सकता थैंक यू थैंक यू सो मच mm <clears throat>